नमस्कार दोस्तों, टेक विश्व के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत और आप देख रहे हैं मेरा टेक विश्व यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम बात करते हैं रियलमी की तरफ से जो नया रियलमी बड्स वायरलेस 2 लॉन्च होने जा रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ में आने वाला और एक सुपर बेस के साथ में आने वाला ये जो नया रियलमी बड्स वायरलेस 2 आने वाला है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सोनी के एलडेक हाई रेजोल्यूशन ऑडियो के साथ में ये आ रहा है, तो बहुत कुछ खास लेके आ रहा है रियलमी यहाँ पे वायरलेस 2 के साथ में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं वायरलेस 2 को डेवलप करते वक्त चेन स्मोकर्स को साथ में लिया गया है और इन्होंने इसको फाइन ट्यून किया है और रियलमी के साथ में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन डेमोक्रेटाइजर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बेस्ट ANC नेक बैंड मिलेगा ये आपको, और मुझे लगता है इसकी वजह से एक प्योर म्यूजिक आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है या जहाँ पे भी बहुत ज्यादा नॉइज रहता है, ऐसे टाइम पे प्योर म्यूजिक लिसनर्स के लिए, नो नॉइज म्यूजिक के लिए ये एक ANC के ऊपर बेस्ड आने वाला नेक बैंड बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। यहाँ पे आपको अप टू 25 डेसिबल तक का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है एक बहुत ज्यादा नॉइजी एरिया में भी अगर आप काम करते हो तो ऐसे टाइम पे भी आपका म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो यूजिंग दिस नेक बैंड। वॉक प्लस AI नॉइज कैंसिलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो किस तरीके से बाकी का जो भी नॉइज है वो सेग्रीगेट हो जाता है, सेपरेट होता है। सेपरेट नॉइज वॉइसेस अराउंड फॉर अ क्रिस्टल क्लीनर वॉइस एक्सपीरियंस, ऐसे यहाँ पे रियलमी ने क्लेम किया है और मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज है अगर हम बात करें। उसी के साथ में यहाँ पे सोनी की तरफ से आने वाला सोनी एलडेक का हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मल जो है वो यहाँ पे 330 kbps पे साउंड क्वालिटी क्रिएट होता है, आइडियली 330 kbps इज द बेस्ट साउंड क्वालिटी, 128 kbps ही रहता है, लेकिन आप यहाँ पे एलडेक इस्तेमाल करोगे तो 990 kbps का साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ में बेस ड्राइवर की बेस बूज भी यहाँ पे बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे ड्राइवर साइज की बात करते हो तो 13.6 mm का बेस बूस्ट ड्राइवर आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द लार्जेस्ट ड्राइवर साइज जो एक नेक बैंड में आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से डीपर एंड पंची बेस आपको देखने को मिलने वाला है। सो 13.6 mm का ड्राइवर साइज इज अ ब्यूटीफुल वन टू हैव, और जैसे मैंने बात किया 13.6 mm का ड्राइवर साइज होने की वजह से साउंड क्वालिटी डेफिनेटली इसका अच्छा होगा, और बिलीव मी रियलमी जो है वो रियलमी काफ़ी अच्छी तरीके से ड्राइवर साइज मेंटेन रखता है और रियलमी का साउंड क्वालिटी भी ओवरऑल बाकी चीज़ों से मुझे अच्छा लगता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्योर म्यूजिक नो ब्रेक्स करके यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे बैटरी लाइफ के बारे में बात की है, एक बार आप चार्ज करोगे इसको तो 22 घंटे तक का लॉन्ग बैटरी लाइफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और उसी के साथ में यहाँ पे डार्ट चार्ज भी आपको देखने को मिल रहा है जो पहली बार आ रहा है वायरलेस ईयरफोन्स में, तो एक तरीके का फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है डार्ट चार्ज के स्वरूप में। तो डार्ट चार्ज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके देने वाला है, 10 मिनट अगर आप इसको चार्ज करोगे तो 12 घंटे का प्लेबैक टाइम आपको ये प्रोवाइड कर सकता है। तो मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग अपना बड्स इसका वायरलेस नेक बैंड का चार्जिंग खत्म हो जाने के बाद भी इसको इस्तेमाल करना चाहते क्विकली विद इन अ शॉर्ट नोटिस ऑफ टाइम, तो ऐसे जगह पे 10 मिनट चार्ज करके आप इसको 12 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ओवरऑल 12 घंटे का प्लेबैक आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है फुल्ली चार्ज हो जाएगा ये 50 मिनट्स में, 10 मिनट का चार्ज आपको 12 घंटे का प्लेबैक टाइम देगा, और टोटल प्लेबैक आवर्स जो है वो 22 आवर्स का प्लेबैक टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है लॉन्ग ड्यूरेशन की फ्लाइट्स वगैरह लेते वक्त, अगर आप मुंबई से न्यूयॉर्क वगैरह कभी डायरेक्ट फ्लाइट लेते हो या लंबा फ्लाइट अगर आपका है तो ऐसे टाइम पे आप इसको पूरे टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 88 mm का सुपर लो लेटेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यू परफेक्ट सिंक बिटवीन ऑडियो एंड वीडियो व्हाइल गेमिंग, तो यहाँ पे एक गेम मोड भी दिया गया है जिसकी वजह से आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिलेगा गेमिंग के लिए, और यह सीमलेस एक्सपीरियंस जो है वो मुझे लगता है गेमिंग खेलते वक्त बहुत काम में आएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग जो गेम खेलते हैं उन लोगों के लिए ब्लूटूथ ईयरबड्स या ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन बहुत अच्छा हैंडी टूल हो जाता है। सुपर क्यूट 2 कलर्स में आ रही है, येलो बेस और बेस ग्रे, ऐसे दो कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, दोनों भी कलर अच्छे लगे इसके। कलर का चॉइस मैं ऑब्वियसली आपके ऊपर छोड़ूंगा, बिकॉज वायरलेस 2 का कौन सा कलर अच्छा लगेगा आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से उसके हिसाब से आप इसको परचेस कर सकते हो, लेकिन मुझे इसका बेस ग्रे कलर ज़्यादा पसंद आया। ऑब्वियसली वो कलर ज़्यादा खराब होगा लेकिन बेस ग्रे कलर ही मुझे पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद आया है।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे टेक विश यूट्यूब चैनल को. आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा ऐसे नए नए वीडियोज हर दिन बनाने के लिए. तो मैं मिलता हूँ आपको एक फ्रेश एपिसोड के साथ टुमारो. तब तक यू गाइज टेक केयर. इसका प्राइस अभी तक कोट नहीं हुआ है रियलमी की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है 2000 के आसपास इसका प्राइस ब्रैकेट होना चाहिए. अगर ये कहीं पे भी 1500 के आसपास आ रहा है तो दैट विल बी अ 10 out of 10 डील फॉर 2021. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. सब्सक्राइब टू माई चैनल टू वॉच मोर ऑसम कंटेंट ऑन अ डेली बेसिस. फॉलो कीजिए मुझे @TechWisho पे एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.